बाद सीतापुर के धार्मिक और पौराणिक तीर्थ नैमिषारण्य मिश्री की हो रही पहली 84 कोसी परिक्रमा पथ पर राम नाम की गूंज सुनाई देगी। यह परिक्रमा शुरू होने में महज चंद घंटे बचे हैं। आस्था की इस जगह पर लाखों श्रद्धालुओं का राम दल तो होगा ही, साथ ही संत महंतों के अलग अलग रंग भी दिखेंगे। इस महाकुंभ में पड़ोसी देश नेपाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार आदि प्रांतों से श्रद्धालु नैमिषारण्य पहुंचकर डेरा दिया है। 84 कोसी परिक्रमा लेकर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज अधीनस्थ अफसरों के संग पड़ाव स्थलों का भ्रमण कर तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। साथ ही पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह भी परिक्रमा के दौरान परिक्रमार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था भी परख चुके हैं। 84 परिक्रमा में कोविड प्रोटोकॉल को भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरी परिक्रमा में 4 कोविड हेल्थ डेस्क बनेंगे, जहां पर परिक्रमार्थियों की जांच की जाएगी। अगर किसी श्रद्धालु को बुखार होता है तो वह आगे की परिक्रमा नहीं कर पाएगा, उसे वहीं पर रोक दिया जाएगा। आपको बता दें कि 84 कोसी परिक्रमा को लेकर नैमिषारण्य में देश के विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालुओं के आने का दौर शुरू हो चुका है और नैमिषारण्य में अपना डेरा डाल दिया है। अलग अलग जत्थों में श्रद्धालु भजन कीर्तन करने में जुटे हैं। नैमिषारण्य का वातावरण राममय है। आगामी 14 मार्च की अलसुबह धार्मिक एवं पौराणिक तीर्थ नैमिषारण्य के चक्र तीर्थ और राजघाट पर श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। देवी देवताओं का पूजन अर्चन कर परिक्रमार्थी राम नाम की धुन गाते हुए नैमिषारण्य से अगले पड़ाव कोरोना को कूच करेंगे। नैमिषारण्य में 84 कोसी परिक्रमा का आगाज पहला आश्रम महंत बाबा भारतदास टंका बजाकर करेंगे। प्रथम पड़ाव कोरोना में रात्रि विश्राम करने के बाद राम दल हरदोई व सीतापुर जिले में प्रवेश कर जाएगा। हरदोई जिले में पड़ने वाले पड़ावों पर दर्शन पूजन के बाद श्रद्धालु मिश्रिक पहुँचेंगे। यहाँ पर परिक्रमार्थी 5 दिन मिश्रिक में रुककर परिक्रमा करेंगे। आई इंडिया के संवाददाता सुनीत पांडे ने 84 परिक्रमा में शामिल होने आए श्रद्धालु गोविंद नारायण दास से बात की। उन्होंने क्या कहा? जय श्रीमन्नारायण। मेरा नाम है गोविंद रामानंद दास। मैं नेपाल सुर्खेत डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ 84 कोस परिक्रमा करने के लिए। गुरु की कृपा से यहाँ तक पहुँच गए तो 84 कोस परिक्रमा करके। 84 कोसी परिक्रमा में शामिल होने आए श्रद्धालु रामानुज दास से जाना तो उन्होंने क्या कहा? मैं नेपाल सुर्खेत से आया हूँ 88,000 सौनकादि ऋषि मुनि के ओरे परे परिक्रमा करने के लिए। गुरु के आज्ञा और आशीर्वाद से आया हूँ। मैं रामानुज दास हूँ। इस पुण्य भूमि नैमिषारण्य क्षेत्र के दर्शन करने के लिए भी आया था, तब बढ़िया रहे, भगवान कृपा हो गए जी महाराज, ऐसे ही है। 84 कोसी परिक्रमा का आगाज करने वाले पहला आश्रम के महंत भारतदास से आई इंडिया ने बात की तो वो क्या बोले? ये महाराज श्री दधीज महाराज, उनके द्वारा ये परिक्रमा प्रारंभ की गई और माध्यम सब देवताओं को ले लीजिए कि अगर उनको जरूरत महाराज की हड्डियों की न पड़ी होती तो महाराज श्री शायद परिक्रमा न करते। इसलिए इस धरातल पर वृत्तासुर नाम का दैत्य बहुत विनाश कर रहा था, उसको मारने के लिए वो कहीं परशुराम के पास 5 बाण रखे थे। उन बाणों को महाराज को धरोहर में दिए गए दधीच महाराज को और कहा गया इनसे दैत्यों का विनाश होगा और दैत्यों के हाथ में लग गए तो देवताओं का भी विनाश होगा। इसलिए महाराज जी ने कुछ दिन छिपा के रखे, बाद में उन्हें घोट करके और स्वयं पी गए। उस समय पर उनके बाणों की ढूंढ आवश्यकता पड़ी, देवता लोगों ने ढूंढा, ढूंढने के बाद महाराज दधीच के पास आए। दधीच महाराज ने बताया हमने तो ऐसा ऐसा कर दिया है, तो देवताओं ने अलग हटके मीटिंग की और मीटिंग में ये प्रस्ताव लिया कि महाराज की अगर हड्डियाँ मिल जाएं तो उससे फिर वज्र तैयार किया जाए, उससे वो दैत्य मारा जा सकता है। तो महाराज से हड्डियों की प्रार्थना कर दी। महाराज ने कहा अभी मैंने तीर्थ यात्रा नहीं की है, इसलिए मैं हड्डियों को नहीं दे सकता हूँ। जब मैं तीर्थ यात्रा कर लूँगा तो मेरी हड्डियाँ आप ले जाना। तो वो बहुत समय लगता उसमें यात्रा करने में, तो इसलिए देवताओं ने कहा महाराज मैं यहीं सब तीर्थों को बुलाए देता हूँ और आप यात्रा यहीं कर लीजिएगा। तो
तो वो उस समय देवताओं ने हर तीर्थ, हर देवस्थान, हर देवता, हर महात्मा, हर ऋषि सब यहाँ पर नेमिषारण्य में वही अम्बावस के दिन उपस्थित हुए, और पड़ेवा के दिन से महाराज वो घूम घाम के नौवें दिन यहाँ आ गए। फिर दसवें दिन कुलुआ बरेठी मुकाम करके ग्यारहवें दिन एकादशी के दिन मिश्रिक पहुँच गए। मिश्रिक में उन्होंने कहा मेरे ऊपर नमक और दही छिड़क दिया जाए और गाय छोड़ दी जाए। गायों ने उनके मांस को चाट लिया, हड्डियों में प्राण होता था, उसमें प्राणायाम करके प्राण को करके हड्डियों को देवताओं को दिया। तो महाराज से कहा कि आप भी कुछ मांग लीजिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं मांगता हूँ, मुझे एक ही चीज़ अगर मांगनी है तो तीर्थ यहीं रुक जाए, जो आने वाले तीर्थ हैं वो सब यहीं रह जाएं। तो उन्होंने कहा तब तो बड़ी उसी बात होगी, लेकिन मैं वचन देता हूँ आपको फागुन की शुक्ल पक्ष जो अमावस्या आएगी उस दिन से ये सब तीर्थ 15 दिन इस 84 कोस में विराजमान रहेंगे। गंगा बाबा श्री हमारे यहाँ श्री वो थे लालदास जी महाराज, उस समय पर हमारी जमात 500 साधुओं की जमात चलती थी, हाथी घोड़ा बैलगाड़ी गाय सभी साथ में रहती थी, इसलिए वो जमात हमारी मध्य प्रदेश जा रही थी। मध्य प्रदेश जाते समय लखनऊ में काकड़ाबाद कोई जगह स्थित है, वो जगह पहुंची तो पुलिस वालों ने, यहाँ अंग्रेज शासन चल रहा था तो पुलिस वालों ने पूछा ये क्या है। महाराज श्री ने कहा डंका है। तो उन्होंने कहा किसके आदेश से बजता है। महाराज ने कहा ये हनुमान जी के आदेश से बजता है। तो वो डंका उन्होंने हमारे घोड़े से छुड़वा लिया, उसको कमरे में बंद कर दिया और कहा जब हनुमान जी इसको प्रमाणित करेंगे तब ये डंका आपको दिया जाएगा। इसलिए वहीं पर जमात पड़ गई, डंका उनके हिरासत में हो गया। शाम को जब 8 बजे आरती तैयार शुरू हुई बाहर मंदिर में, जो महात्माओं का बना हुआ मंदिर था वहाँ आरती चालू हुई, तो डंका अपने आप उस कमरे में बजने लगा। और वो जब तक बजा जब तक आरती बाहर हुई, इतने में फिर डलहौजी लाड उस समय यहाँ था, वो 12 बजे आके महाराज को मिला और बड़ी प्रार्थना की और उसने हिदायत की कुछ बहुत कि मैं समस्त फौजी अफसरान को हिदायत करता हूँ, इस डंके के मुखालिफ नहीं होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, महाराज के साथ इतने साधु इतने ये सब रहेंगे, इसलिए वो महाराज को कहीं तांबे पात्र पर लिख के ये सब डलहौजी ने प्रदान किया। इस समय तब से वो 4 बजे डंका बजता है और डंके की आवाज़ सुन के हमारे जनमानस जो है परिक्रमा में आया हुआ बड़े बड़े दूर से आते हैं, वो डंके की आवाज़ के लिए इंतज़ार करते हैं कि डंका बजेगा तब चलेंगे। उसमें सुरक्षा प्रदान हो जाती है, ऐसी सबकी भावनाएं हैं, इसलिए डंका जब बजता है तभी यहाँ का परिक्रमा चलता है। मान्यता है कि 84 कोसी परिक्रमा से मनुष्य को आसानी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी परिक्रमा की परिधि में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। इसी परिक्रमा में 11 पड़ाव पड़ते हैं, इनमें सीतापुर में 7 व हरदोई में 4 पड़ाव शामिल हैं। बताते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने परिवार के संग नैमिषारण्य मिश्रिक में परिक्रमा की थी, तभी परिक्रमा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को रामादल की संज्ञा दी गई है। अगर परिक्रमा के इतिहास की बात करें तो सतयुग में भगवान इंद्रदेव के आग्रह पर अतताई असुर दत्तासुर के वध के लिए महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियां दान कर दी थी, लेकिन इससे पहले उन्होंने सभी तीर्थों के दर्शन करने की इच्छा जताई थी। तब इंद्रदेव के आह्वान पर सभी देवी देवता प्रकट होकर अलग अलग जगहों पर स्थापित होकर दर्शन दिए। CMO डॉक्टर मधु गैरोला ने बताया कि परिक्रमा मेला के लिए 2 एम्बुलेंस लगाई गई हैं। प्रत्येक पड़ाव पर 4 कोविड हेल्प डेस्क लगाई जाएंगी, जिन्हें बुखार होगा उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। CSC मिश्रिक सिधौली को सेवा के लिए तैयार रहने को कहा जा चुका है, भीड़ कम हो इसके निर्देश भी दिए गए हैं। ASP दक्षिणी NP सिंह ने बताया कि परिक्रमा मेला में सुरक्षा के लिए 100 उपनिरीक्षक, 500 महिला पुरुष कांस्टेबल, 400 होमगार्ड, 1 कंपनी PAC, 1 कंपनी जल PAC व फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां लगाई गई हैं।
स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।